कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला पर गंभीर आरोप लगाए। शहर अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा शासनकाल में गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर। रीवा में पुनर्घनत्वकरण के नाम पर सरकारी जमीनें बेचकर बिल्डरों को बड़ा बनाया जा रहा है। शहर अध्यक्ष ने कहा कि समान चौराहे की फ्लाईओवर हो, चाहे रेलवे फ्लाईओवर हो, चाहे सिरमौर चौक, सभी में जो ठेकेदार हैं वह एक गिरोह के लोग हैं, जिसके सरताज राजन शुक्ला हैं। आइए आपको सुनाते हैं कांग्रेस शहर अध्यक्ष ने राजन शुक्ला पर किस तरह के गंभीर आरोप लगाए। नहीं है, नगर निगम के हैं। नगर निगम के आंकड़ों में साफ है कि 78,598 लोग राशन उठा रहे हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो राशन नहीं उठा पा रहे हैं, उनके कार्ड बने हुए हैं। ऐसा क्यों? अगर आपके 15 वर्षों के 2003 से लेके 2023 का ये दौर आ रहा है, आप विधायक हैं, मंत्री रहे हैं और रीवा के सबसे पावरफुल मंत्रियों के माने जाते हैं, और आपके चंद भैया जी के आशीर्वाद वाले लोग जो पानी पिलाते हुए बोर्ड लगाते हैं, भैया जी के आशीर्वाद से प्याऊ पिलवाते हैं, वो लोग सिर्फ बड़े आदमी बन गए और गरीब गरीब हो गया। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें सत्यापित बात आपसे कर रहा हूँ। और अभी पूरे देश के अंदर एक आंकड़ा आ गया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग भारत में हैं।